नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि हमारा जो इनिट का ये मल्टी वॉटेज का जो स्मार्ट आईडी पिन बोर्ड है, इसको हम किस तरह डीसी सप्लाई में यूज में लाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किस तरह यूज में लाया हूँ। ये हमारे डेल की पीसीबी है, ये हमारे डेल की पीसीबी है। इसको मैंने 90 वाट पे सेट कर रखा है और आप देखिए इसको मैंने कैसे कनेक्ट किया है। ये इसका इनपुट साइड है, इनपुट साइड को मैंने देखिए यहाँ पर डीसी सप्लाई के साथ डाल दिया है और यहाँ से मैंने दो वायर निकाले हैं। अब दो वायर कौन से, आप देख सकते हैं डेल में क्या होता है, हमारा एक बिग आता है, एक मिनी आता है ना। तो ये दो वायर यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर रखे हैं। तो करना क्या है आपको, एक ही केबल आप लीजिएगा, पहले उस केबल को आप कट कर दीजिएगा और कट करके एक एंड तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं और बाकी जो है दोनों केबल आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह हम इसको एक साथ मिनी पिन के लिए भी यूज कर सकते हैं और बिग पिन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और जब भी वॉटेज चेंज करना होगा तो हम यहाँ से वॉटेज चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप 90 वॉट है, देन 120 वॉट है, 240 वॉट है और 330 वॉट है। मतलब अलग अलग वॉटेज यहाँ पर दे रखा है और इसको मैंने सेव कर दिया है। आप देख सकते हैं ग्लू से मैंने सेव कर रखा है कि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, है ना। इस तरह मैंने इसकी फिनिशिंग कर रखी है कि जब मेरे को जरूरत पड़ी तो केवल मैं इसको निकाल के जब भी वॉटेज सेट करना होगा तो इस हिसाब से मैं ये जम्पर को कनेक्ट कर दूंगा। तो मेरा 90 वॉट से क्या हो गया, 120 वॉट पे आ गया। तो इस तरह से अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अभी मैंने 90 वॉट पे सेट कर दिया है तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ वन बाय वन। ऑन करता हूँ उसी तरह। यहाँ पर देख सकते हैं एसी अडेप्टर क्या हो गया हमारा, ये 90 वॉट शो कर रहा है। मैंने 90 वॉट पे रखा तो ये 90 वॉट शो कर रहा है। अब मैं एक बार फिर से आपको वॉटेज का दिखाता हूँ इसको चेंज करके। तो 90 वॉट से मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसको 120 वॉट कर दिया। और अभी देखिए ये मिनी पिन का मैं यूज कर रहा हूँ, अभी देखिए हमारा क्या आ गया, ये 180 वॉट, सॉरी मैंने यहाँ पे 180 वॉट पे लगा रखा है, 180 वॉट है फिर 240 वॉट, तो ये हमारा 180 वॉट हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप जो भी यहाँ पर वॉटेज सेट करोगे वो वोल्टेज आपको यहाँ पर शो करेगा। मतलब ये बोर्ड हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है डेल के साथ। अभी देखिए देखिए हमारा क्या आ गया, 240 वॉट आ गया, है ना। तो इस तरह हमने यहाँ पर देखा और हमारी चार्जिंग भी हो रही है, चार्जिंग भी हो रही है, 240 वॉट को भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया मिनी पिन पे। अब मैं बिग पिन पे भी आपको शो करके दिखा देता हूँ। देखिए वॉटेज को मैं फिर से यहाँ पर ले लेता हूँ 90 वॉट पे ले लिया और बिग पिन का यूज करूँगा। लगाओ इसको, F2 प्रेस करेंगे, ऑन कर लेता हूँ, एक सेकेंड ऑन। यहाँ पर देखिए हमारा एसी अडेप्टर 90 वॉट आ गया, करेक्ट। तो इस तरह क्या है कि डेल का आपका कोई भी लैपटॉप हो, 90 वॉट का, 180 वॉट का, 240 वॉट का या 330 वॉट का, आपका डीसी सप्लाई क्या है, 5 एम्पीयर का डीसी सप्लाई है। आप देख सकते हैं कोराट का 5 एम्पीयर का डीसी सप्लाई है ना। और लेकिन मैं इसी डीसी सप्लाई का यूज करके, या फिर आपके पास कोई भी प्रीवियस पुराना डीसी सप्लाई हो 5 एम्पीयर का भी, तो आप उसका ही यूज करके यहाँ पे वॉटेज इस बोर्ड के साथ आप चेंज कर सकते हो। तो जो भी गेमिंग लैपटॉप्स है, अगर आप कह रहे हो कि ऑन नहीं हो रहा है ना, तो उसमें ये बहुत काम आएगा। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि जो प्रोसेसर होता है, अगर सही वॉटेज प्रोसेसर को नहीं मिलता तो उसकी स्पीड स्लो होती है, लेकिन अगर सही वॉटेज मिल जाता है प्रोसेसर को, उसकी आईडी सही मिल जाती है, तो आपका प्रोसेसर की भी स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पर भी ये बोर्ड आपके काम आ सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने डेल का यूज किया हुआ है और ये जो आप देख रहे हैं ये बोर्ड, ये हमारा क्या है, लेनोवो के लिए, ये हमारा लेनोवो का है, लेनोवो का बोर्ड है। तो इस तरह करके ये तीन सेट्स आते हैं, एचपी का, लेनोवो का और डेल का,
है ना, आप इस तरह कनेक्ट कर सकते हो डीसी सप्लाई के साथ, जैसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह मैंने कनेक्ट किया है। हाँ, आपके पास ये केबलें होनी चाहिए एक्स्ट्रा, ये अगर केबल्स हैं आपके पास तो ये केबल्स होनी चाहिए एक्स्ट्रा। तो आपको करना क्या है, जैसे कि जो नया केबल लेते हैं है ना, उसी में आप बीच में कहीं पर भी एक कट कर सकते हैं, कट करके मिडिल में आप इस बोर्ड को सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको प्रैक्टिकली यूज में लाएंगे इस बोर्ड को, है ना, बहुत आसान है। और फिर सेफ्टी के लिए आप यहाँ पर ये ग्लू डाल दीजिएगा ताकि आपको कहीं कोई शॉर्टिंग वॉटिंग ना हो। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किस तरह से इसको सेट किया हुआ है ना, ऑलमोस्ट सारे के सारे जो कंपोनेंट वाले पार्ट्स है उसको मैंने कवर कर दिया है ना, सारे पार्ट्स कवर कर दिए। बस यहाँ पर जहाँ पर मेरे को जंपर सेट करना है वॉटेज के लिए, इसको मैंने ओपन रखा है, यहाँ पर भी उसको मैंने ओपन रखा है, बाकी जितने भी कंपोनेंट वाले पार्ट्स हैं सारे के सारे मेरे इस ग्लू से कवर हो चुके हैं। तो ये था कि हम किस तरह जो हमारे स्मार्ट बोर्ड हैं, ये हमारा क्या है था एडाप्टर आईडी स्मार्ट पिन बोर्ड है ना, इसका हम कैसे डीसी सप्लाई के साथ यूज करेंगे। धन्यवाद।